माता शारदा की कृपा लिखो भावन मूल कार्तिक माहतम का कहूँ चौथा अध्याय खोल। कार्तिक मास माहतम चौथा अध्याय। नारद जी ने कहा, ऐसा कहकर भगवान विष्णु मछली का रूप धारण करके आकाश से जल में गिरे। उस समय विंध्याचल पर्वत पर तप कर रहे महर्षि कश्यप अपनी अंजलि में जल लेकर खड़े थे। भगवान उनकी अंजलि में जा गिरे। महर्षि कश्यप ने दया करके उसे अपने कमंडल में रख लिया। मछली के थोड़ा बड़ा होने पर महर्षि कश्यप ने उसे कुएं में डाल दिया। जब वह मछली कुएं में भी न समा सकी तो उन्होंने उसे तालाब में डाल दिया। जब वह तालाब में भी न आ सकी तो उन्होंने उसे समुद्र में डाल दिया। वह मछली वहां भी बढ़ने लगी। फिर मत्स्य रूपी भगवान विष्णु ने इस शंखासुर का वध किया और शंखासुर को हाथ में लेकर बद्री वन में आ गए। वहां उन्होंने संपूर्ण ऋषियों को बुलाकर इस प्रकार आदेश दिया, मुनीश्वरों, तुम जल के भीतर बिखरे हुए वेद मंत्रों की खोज करो और जितनी जल्दी हो सके उन्हें सागर के जल से बाहर निकाल लाओ। तब तक मैं देवताओं के साथ प्रयाग में ठहरता हूँ। तब उन तपोबल संपन्न महर्षियों ने यज्ञ और बीजों सहित संपूर्ण वेद मंत्रों का उद्धार किया। उनमें से जितने मंत्र जिस ऋषि ने उपलब्ध किए वही उन बीज मंत्रों का उस दिन से ऋषि माना जाने लगा। तदंतर सब ऋषि एकत्र होकर प्रयाग में गए। वहां उन्होंने ब्रह्मा जी सहित भगवान विष्णु को उपलब्ध हुए सभी वेद मंत्र समर्पित कर दिए। अब सब वेदों को पाकर ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने देवताओं और ऋषियों के साथ प्रयाग में अश्वमेघ यज्ञ किया। यज्ञ समाप्त होने पर सब देवताओं ने भगवान से निवेदन किया, देवाधिदेव जगन्नाथ, इस स्थान पर ब्रह्मा जी ने खोए हुए वेदों को पुनः प्राप्त किया है और हमने भी यहाँ आपके प्रसाद से यज्ञ भाग पाए हैं। अतः यह स्थान पृथ्वी पर सबसे श्रेष्ठ पुण्य की वृद्धि करने वाला एवं भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाला हो। साथ ही यह समय भी महापुण्यमय और ब्रह्मघाती आदि महापापियों की भी शुद्धि करने वाला हो तथा यह स्थान यहाँ दिए हुए दान को अक्षय बना देने वाला भी हो, यह वर दीजिए। भगवान विष्णु बोले, देवताओं, तुमने जो कुछ कहा है वह मुझे स्वीकार है, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। आज से यह स्थान ब्रह्म क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध होगा। सूर्य वंश में उत्पन्न राजा भगीरथ यहाँ गंगा को ले आएंगे और वह यहाँ सूर्य कन्या यमुना से मिलेगी। ब्रह्मा जी और तुम सब देवता मेरे साथ यहाँ निवास करो। आज से यह तीर्थ तीर्थराज के नाम से विख्यात होगा। तीर्थराज के दर्शन से तत्काल सब पाप नष्ट हो जाएंगे। जब सूर्य मकर राशि में स्थित होंगे उस समय यहाँ स्नान करने वाले मनुष्यों के सब पापों का यह तीर्थ नाश करेगा। यह काल भी मनुष्यों के लिए सदा महान पुण्य फल देने वाला होगा। माघ में सूर्य के मकर राशि में स्थित होने पर यहाँ स्नान करने से सालोक्य आदि फल प्राप्त होंगे। देवाधिदेव भगवान विष्णु देवताओं से ऐसा कहकर ब्रह्मा जी के साथ वही अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात इंद्रादि देवता भी अपने अंश से प्रयाग में रहते हुए वहां से अंतर्ध्यान हो गए। जो मनुष्य कार्तिक में तुलसी जी के जड़ के समीप श्री हरि का पूजन करता है वह इस लोक में संपूर्ण भोगों का उपभोग करके अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चौथा अध्याय समाप्त। जय श्री राधे। कार्तिक की कहानी। दो सास बहुएं थी। कार्तिक मास आया तो सास बोली, मैं कार्तिक स्नान के लिए तीर्थ जाना चाहती हूँ। बहू बोली, मैं भी चलूंगी। सास बोली, तू अभी बहुत छोटी है, अभी मुझे जाने दे। सासू तीर्थ गई तो बहू कुमार के से 35 कुंडे ले आई। रोज एक कुंडा भर कर रखती। उधर गंगा में सासू जी की नथ गिर गई। बहू कुंडे में नहाती हुई बोली, सासू नहावे उंडे, मैं नहाऊं कुंडे। इतने में गंगा की धारा कुंडे में आ गई। साथ में सासू जी की नथ भी आ गई। बहू ने नथ पहचान ली और अपनी नाक में पहन ली। महीना पूरा हुआ, सासू जी आई। बहू सामे लेने लगी तो सास नथ देखकर बोली कि तू यह कहाँ से लाई। तो बहू बोली, यह तो मेरे कुंडे में गंगा की धारा के साथ आ गई। पर सास ने कुछ ध्यान नहीं दिया। फिर सास बोली कि मुझे ब्राह्मण भोज करना है। तो बहू बोली कि सासू जी, दो ब्राह्मण मेरे भी जिम्मा दो, मैंने भी कार्तिक स्नान किया है। तब सास ने कहा कि तूने कहाँ कार्तिक स्नान किया। तो बहू बोली, ऊपर चलो, मैं आपको बताती हूँ। ऊपर गए तो देखा सारे कुंडे सोने के हो गए। बहू बोली, मैं रोज कुंडा भर कर रखती और सुबह जल्दी उठकर नहाती और उल्टा करके रख देती।
तब सासू जी बोले कि बहू, तू तो बहुत भाग्यवान है जो साक्षात गंगा जी तेरे पास आई। तूने श्रद्धा और विश्वास से कार्तिक स्नान किया तो भगवान ने तुझे फल दिया। दोनों सास बहू ने धूमधाम से ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा देकर विदा किया। हे गंगा मैया, जैसे बहू पर कृपा की, उसको कार्तिक स्नान कराया, वैसे हम सबको कराना। तुलसा जी की कहानी। कार्तिक के महीने में सब कोई तुलसा माता को सींचने जाती। सब कोई तो सींच के आ जाती, पर एक बुढ़िया माई आती और तुलसा माता से रोजाना कहती, तुलसा माता सत की दाता, मैं बिड़ला सींचू तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। तुलसा माता अड़ुआ दे, लड़ुआ दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैखुंड का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मोत दे, चंदन का काठ दे, झालर की झिनकार दे, साई का राज दे, दाल भात का जीमन दे, ग्यारस का दिन दे, कृष्ण का कांधा दे। इतनी बात सुनकर तुलसा माता सूखने लगी। भगवान ने पूछा कि तुम्हारे पास तो इतनी औरतें आती हैं, तुम्हें जिमाती है, गाती हैं, तो भी तुम कैसे सूखने लगी? तुलसा माता ने कहा कि एक बुढ़िया माई आती है जो रोजाना इतनी बात कहकर जाती है। मैं और तो सब कुछ दे दूंगी, पर आप कृष्ण जी का कांधा कहाँ से दूंगी? थोड़े दिन बाद बुढ़िया माई मर गई। सब कोई उसको उठाने लगे, पर वह इतनी भारी हो गई कि उठे ही नहीं। सब कोई कहने लगे कि पाप घाट की माला फेरती थी जिससे इतनी भारी हो गई। भगवान बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके आए, सबसे पूछने लगे कि इतनी भीड़ क्यों हो रही है? सब बोले, एक बुढ़िया मर गई है, पापनी थी, इसीलिए किसी से नहीं उठती। तब भगवान बोले कि इसके कान में मुझे एक बात कहने दो तो यह उठ जाएगी। सब ने कहा, तू भी अपने मन की निकाल ले। भगवान ने जाकर उसके कान में कहा, बुढ़िया माई, तू बिड़ला सींचे मेरा, मैं करूँ निस्तारा तेरा। बुढ़िया माई अड़ुआ ले, गड़ुआ ले, पीताम्बर की धोती ले, पटके की मोत ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैखुंड का वास ले, चटके की चाल ले, चंदन का काठ ले, झालर की झिनकार ले, साई का राज ले, दाल भात का जीमन ले, कृष्ण का कांधा ले। इतना सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान उसे कांधे पर ले गए और उसकी मुक्ति हो गई। हे तुलसा माता, जैसा उसकी मुक्ति करी ऐसा हमारी करियो, जैसा उसको कांधा दिया वैसे सबको दियो। पीपल पतवारी की कहानी। एक गुजरी थी, उसने अपनी बहू से कहा कि तू दूध दही बेच के आ। वह बेचने गई तो रास्ते में औरतें पीपल पतवारी सींच रही थी। उनको सींचता देखकर बहू ने पूछा कि तुम यह क्या कर रही हो? औरतें बोली कि हम पीपल पतवारी सींच रही हैं, इससे अन्न और धन होता है, 12 वर्ष का बिछड़ा हुआ पति मिल जाता है। बहू बोली, ऐसी बात है तो तुम तो पानी से सींचती हो, मैं तो दूध से सींचूंगी। अब तो गुजरी बहू रोजाना दूध दही बेचने ही नहीं जाती, वह रोजाना दूध तो पीपल में और दही पतवारी में सींचती। सास दूध दही का दाम मांगती तो कह देती कि महीना पूरा हो जाने पर दे दूंगी। कार्तिक का महीना पूरा हो गया, पूनम का दिन आया। बहू पीपल पतवारी के पास जाकर बैठ गई। पतवारी ने पूछा कि तू मेरे पास क्यों बैठ गई? तब बहू बोली कि सासू दूध दही का दाम मांगेगी। पीपल पतवारी बोली कि मेरे पास क्या दाम रखा है, ये भरा डिंडा पान पतूरा है, इसको ले जा। बहू ने वही ले जाकर कोठरी में रख दिया और डर के मारे कपड़ा ओढ़कर सो गई। सासू बोली कि बहू पैसे ला। बहू बोली कि कोठरी में रखा है। सासू ने कोठरी खोल के देखी तो हीरा मोती जगमगा रहे हैं। सासू बोली कि बहू इतना धन कहाँ से लाई? बहू ने आकर देखा तो सच्ची में ही धन भरा हुआ है। बहू ने सासू को सारी बात बता दी। सास ने कहा कि अब की कार्तिक में मैं भी पतवारी सींचूंगी। कार्तिक आया, सास दूध दही तो बेचकर आ जाती और हांडी धोकर पीपल पतवारी में चढ़ा देती। आकर बहू से कहती कि मेरे से दाम मांग। तब बहू कहती, सासू जी, कोई बहू भी दाम मांगती है क्या? पर सासू कहती कि तू मांग। बहू बोली कि सासू जी पैसे लाओ, तो वह पीपल पतवारी के पास जाकर बैठ गई। पीपल पतवारी ने सासू को भी पान पतूरा भरा डिंडा दे दिया। उसने वही ले जाकर कोठरी में रख दिया। बहू ने खोलकर देखा तो उसमें कीड़े मकोड़े बिलबिला रहे हैं। बहू ने कहा, सासू जी यह क्या है? तब सास ने आकर देखा और बोलने लगी कि पीपल पतवारी तो बड़ी दोगली पटपीटन है, इसको तो धन दिया और मुझको कीड़ा मकोड़ा दिया। तब सब कोई बोलने लगे कि बहू तो सत की भूखी सींचे थी, तुम धन की भूखी सींची। हे पतवारी माता, जैसा बहू को दिया वैसा सबको देना, जैसा सास को दिया वैसा किसी को मत देना। लपसी तपसी की कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता, लपसी रोजाना 1.25 शेर का हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर टाली हिलाकर जीम लेता। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। लपसी बोला मैं बड़ा, तपसी बोला मैं बड़ा, क्योंकि मैं भगवान की तपस्या करता हूँ। नारद जी बोले कि तुम्हारा फैसला मैं करूँगा। दूसरे दिन तपसी नहाकर आने लगा
तो नारद जी ने 1.25 करोड़ का मुंदड़ा तपसी के आगे गिरा दिया। उसने आंख खोलकर देखा तो मुंदड़ा पड़ा था। उसने उठाकर पैर के नीचे दबा लिया और तपस्या करने लगा। उधर लपसी ने 1.25 शेर का हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर टाली हिलाकर जीम लिया। इतने में नारद जी आए और दोनों को अपने पास बैठाया। दोनों पूछने लगे कि कौन बड़ा है। नारद जी ने तपसी से कहा कि अपना पाँव हटा। पाँव हटाते ही मुंदड़ा निकला। तब नारद जी बोले कि मुंदड़ा चुराने से तेरी तपस्या भंग हो गई है, इसलिए लपसी बड़ा है। तपसी कहने लगा कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी बोले कि तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाली देंगी। सब कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेंगी तो कार्तिक का फल तुझे हो जाएगा। धोती देकर अंगोछा नहीं देंगी, सीधा देकर दक्षिणा नहीं देंगी, ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा नहीं देंगी, दीवा चासकर हाथ न जोड़े तो तेरा पुण्य होगा। कपड़ा देके बटन न लगावे, दाहिने हाथ नाड़ा बांधे तो सबका फल तुम्हें हो जाएगा। और इतना कहकर नारद जी चले गए। लपसी को फल लपसी ने हो जो, तपसी को फल तपसी ने हो जो, माँ की कथा कहानी को फल माँ ने हो जो। बिंदाई जी की कहानी। एक बुढ़िया माई थी, वह मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। वह मिट्टी के गणेश जी रोज बनाती, रोज गल जाते। सामने एक सेठ का मकान बन रहा था तो वह वहां जाकर बोली कि पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोले, जितने में हम तेरा पत्थर का गणेश घड़ेंगे उतने में अपनी दीवार ना चीनेंगे। बुढ़िया बोली कि राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उनकी दीवार टेढ़ी हो गई। वो बनावे और ढा देवे, बनावे और ढा देवे, इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया और उसने कहा, आज कुछ भी काम नहीं किया। तो मिस्त्री कहने लगे कि एक बुढ़िया आई थी, वो कह रही थी कि मेरा पत्थर का गणेश घड़ दो। हमने नहीं घड़ा तो उसने कहा कि तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए, जब से दीवार सीधी ही नहीं बन रही। सेठ ने बुढ़िया को बुलवाया और कहा कि हम तुझे सोने का गणेश मण देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश मंडवा दिया और सेठ जी की दीवार सीधी हो गई। हे बिंदाइक जी महाराज, जैसे सेठ की दीवार सीधी करी वैसे सबकी करना। कहता न सुनता न हुकारा भरता ने सारे परिवार की रक्षा करना। हे कार्तिक महाराज, सबकी मनोकामनाएं पूरी करना, सबकी रक्षा करना। जय श्री राधे।